प्यारे दोस्तों, दशानन के दरबार में हनुमान जी महाराज को हाजिर किए जाते हैं। दशानन बहुत कुछ बोलता है, बातें होती है, उसमें नहीं जाना है। साधारण बातें भी है इसमें कि तू क्यों आया, ना आया तो भले आया, लेकिन तूने पैर क्यों उखाड़े। तो कभी स्वभाव थे तोरे रूखा, हनुमान जी कहते कभी का स्वभाव है तोड़ फोड़ करना, उथल पथल करना, तो ये मैंने किया और खाई फल मोई लागी, भूख लगी थी तो फल खाई। ये साधारण सब बातें चलती है। और फिर हनुमान जी बोलना शुरू करते हैं, रावण की बातें जब पूरी हो जाती है तब हनुमान जी मतलब ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य होता है उसकी वाणी कैसी होती है समझने लायक है। बुद्धिमतां वरिष्ठम, बुद्धिमानों में जो वरिष्ठ है उसकी वाणी कैसी होती है। किस तरह से हनुमान जी खड़े रावण के दरबार में, भेड़ बकरियों की भीड़ में जैसे सिंह खड़ा हो, केसरी सिंह खड़ा हो, ऐसे हनुमान जी खड़े। और हनुमान जी को कोई आसन की थोड़ी जरूरत है, अपनी पूछ का आसन बना लिया, बैठे हैं। और फिर कहते दशानन सुन, भले तूने शिव को प्रसन्न कर लिया, 14 चौकड़ी के तू भले राजा बन गया, भले कितनी भी तेरी ताकत रहे, 9 ग्रह तेरी आज्ञा में भले रहे, लेकिन ध्यान से सुन, भगवान ने तुझे 20 कान दिए हैं, तो आज इसका उपयोग कर ले। लेकिन बात ऐसे है ना, 2 कान हो या 20 कान हो, मूढ़ नहीं सुनता है, और सुनता भी है तो इसे समझ नहीं पाता है। तो मूढ़ों के लिए मेरी बात नहीं है, कुछ समझदारों के लिए है। पवन पुत्र बोलते हैं, सुन दशानन, राम नाम बिनु गिरा न सुहा, 4 वेद भले तुझे कंठस्थ रहे, लेकिन तेरी वाणी में विनम्रता नहीं है, तेरी वाणी में सरलता नहीं है, तेरी वाणी में सहजता नहीं है, तेरी वाणी में पावनता नहीं है, तेरी वाणी में शांति नहीं है, तेरी वाणी में होश नहीं है, केवल अहंकार से भरी वाणी बोलना तू जानता है। राम नाम बिनु गिरा न सुहा, कितना भी बड़ा पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, परंतु उसकी वाणी में जो राम नाम न हो, सत्य का स्पर्श न हो, पावनता न हो, जो वाणी में शब्द निकले तो चोट पहुंचनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ तीर लगा, लेकिन फिर भी जिसे तीर लगे है, शब्द के बाण लगे, वह ऐसा बोले कि एक दूसरा छोड़ अच्छा लगा। दशानन, तेरी वाणी में राम नाम नहीं है, राम नाम बिनु गिरा न सुहा, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। राम नाम नहीं मतलब राम तो हजारों बार बोला था, लेकिन इसमें कहीं आस्था नहीं थी, कहीं श्रद्धा नहीं थी, कहीं समझ नहीं थी, केवल द्वेष से, क्रोध से, अहंकार से बोला था। तो राम नाम बिनु गिरा न सुहा, देख विचारी त्याग मद मोहा, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती है। यहां राम का अर्थ हम सत्य करेंगे, सत्य नहीं हो जिस वाणी में, वो वाणी शोभा नहीं देती। बोलने में कितनी भी आप अच्छा बोल लेते हो, मीठा मीठा बोल लेते हो आप, कितनी भी वोकैबुलरी आपकी रीच हो गई हो, कि कुछ भी हो, कितने भी पढ़े हो आप, स्कॉलर हो, फिर भी राम नाम बिनु गिरा न सुहा, सत्य का पुट नहीं है जो वाणी में, वो वाणी शोभा नहीं देती है। देख, देख मतलब अंतर की आंखों से देखना है। हाँ, मैंने एक भजन में कहीं लिखा है, तू अंतर की आंखें खोल, मनवा मन की आंखें खोल। अंतर की आंख से देखना है, बाहर तो है तेरी 20 आंखें, कोई काम की नहीं है। देख मतलब सी विदिन यू, तेरे भीतर तो देख, देख विचार फिर सोच, पहले तो अंदर देखना है फिर सोचना है, यहां से शुरू होता है काम का। ध्यान रखना, यहाँ हृदय का सीधा संबंध परमात्मा से है, सीधा संबंध इसका जीवन से है,
ये धड़कने बहुत कुछ हमको कह जाती है और बहुत कुछ दे जाती है। देख विचार किस तरह से सोचना है तुझे, त्यागी मद मोहा, मद और मोह को त्याग करके अगर तू देखेगा और सोचेगा तभी मेरी बात तेरी समझ में आएगी, बाकी नहीं आएगी। सजल मूल जिन सरिता नाही, बरसी गए पुन तभी सुखाई। जिस नदी का मूल सजीवन नहीं है, उस नदी में भले चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए बारिश में, लेकिन जैसे बारिश का मौसम चला जाता है तो फिर से वहां कंकर पत्थर उड़ने लगते हैं, ऐसे ही तेरे जीवन के मूल में अगर जो सत्य नहीं है, जो राम नहीं है, पावनता नहीं है, तो जिस तरह से नदी में कंकर पत्थर उड़े हैं, इस तरह उड़ते हैं, इस तरह मुझे लगता है कि लंका के रण मैदान में राक्षसों के माथे उड़ेंगे। सजल मूल जिन सरिता नाही, बर्ष गए पुनि तभी सुखाई। राम विमुख संपति प्रभुताई, राम के विमुख होकर मतलब गलत रास्ते से, सही रास्ते से नहीं, राम से विमुख होकर इसका मतलब गलत रास्ते से। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, गलत रास्ते से तूने कितनी भी संपत्ति प्राप्त की हो, कितनी भी बड़ाई प्राप्त की हो, बड़प्पन दुनिया तुझे कितना भी मान सम्मान दे रही हो, लेकिन राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, वो तो पाई नहीं पाई, कोई मतलब नहीं है वो नदी की भांति। और सुन दशानंद, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, इस चौपाई पर मुझे ज्यादा भार देना है, कथाएं तो बहुत होती है लेकिन कथा के साथ साथ मैं बार बार कहती हूँ कि चिंतन बहुत जरूरी है, आदमी समझ के साथ सुने और हृदय में उतारे और इसके अकॉर्डिंग जीना शुरू करे, ये बात बहुत महत्व की है। तो बसनहीन नहीं सोह सुरारी, देव का दुश्मन दशानंद सुन, कोई नारी कितनी भी सुंदर हो, चाहे अप्सरा क्यों ना हो, बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, करोड़ों रुपयों के जवेरात उसके शरीर पर हो, सोना चांदी हीरा मोती माणिक से लदी हुई हो कोई नारी, लेकिन शरीर पर जो मर्यादित वस्त्र नहीं होते, शरीर पर जो मर्यादा को ढांके ऐसे वस्त्र नहीं होते तो वो नारी शोभा नहीं देती। इसी तरह राम नाम के बिना की वाणी शोभा नहीं देती। आज की युवतियों को मुझे कुछ मैसेज देना है इस चौपाई के द्वारा, आखिरी चौपाई के द्वारा आज की युवतियों की। पैसा बढ़ रहा है लोगों के पास, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो संपत्ति अगर टिकानी है तो संस्कार अति आवश्यक है। आपको जो सुख संपत्ति मिला है वो हमेशा बने रहे ऐसा आप चाहते हैं तो इसके लिए जागरूकता बहुत महत्व की है। आज पता नहीं नारियों में शरीर को उघाड़ने की फैशन बढ़ रही है। मैं कहती हूँ कि पुरुष वर्ग अगर व्यसन छोड़ दे और नारी वर्ग अगर फैशन छोड़ दे, गलत फालतू फैशन छोड़ दे, तो भारत की आधे से ज़्यादा गरीबी खत्म हो जाए, आधे से ज़्यादा। लेकिन करना पड़ेगा आपको। मैं तो दिया हूँ फकत रोशन करूंगा राह को, एक शेर लिखा है मैंने कि मैं तो दिया हूँ फकत रोशन करूंगा राह को, थोड़ी देर थोड़े कदम तक दिया हूँ आपकी राह को मैं रोशन कर दूंगी। पानी है मंजिल अगर, पानी है मंजिल अगर तो चलना पड़ेगा आपको, पानी है मंजिल अगर तो चलना पड़ेगा आपको। तो हमारा तो काम है रोशनी देना, दिए की भांति साधु संत जलते हैं और रोशनी देते हैं, लेकिन आपको चलना तो पड़ेगा ना, रोशनी कितनी भी हो लेकिन चलना नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकेंगे जिंदगी में। चलना मतलब आंतरिक यात्रा की बात है, ये बाहर के चलने की नहीं बात। आंतरिक यात्रा अगर आपके नहीं होगी, स्पिरिचुअल पाथ पर आप नहीं होंगे, सन्मुख नहीं होंगे स्पिरिचुअल पाथ के, तो मुझे लगता है कि हमारे बोलने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन एक विश्वास भी है कि 1,00,000 लोग सुनेंगे तो उसमें से एक तो समझेगा, और इस आशा से इस विश्वास के साथ मैं बोल रही हूँ। तो दोस्तों माताओं, खास करके मेरी युवती बहनों, आप बेटियों, आप ध्यान रखना, आज बंदा कपड़े नहीं पहनता है फैशन पहनता है। मैं कहती हूँ फैशन पहनना बंद करो और शरीर को इस तरह से ऐसे पोशाक पहनो कि लोग, भले कोई गहने नहीं हो
लेकिन सादगी सिंगार हो गई, आपकी सादगी सिंगार बन जाए और सहज आपको देखकर आदर उत्पन्न हो, इधर उधर मन यो नजर भटक नहीं जाए, आपको देखने वाले की नजर और मन इधर उधर भटक नहीं जाए, लेकिन आपकी सादगी को देखकर वो प्रभावित हो जाए कि वाह नारी हो तो ऐसी। ठीक है, और बात बाद में करेंगे। महारेश्वरी का नमस्कार।